हो जय जोहार। हम खड़े हैं तहसील ऑफिस के प्रांगण में और सरकार है छत्तीसगढ़ी ला काम काज के भाषा बनाने वाला है तो ये संबंध में हम वर्मा जी संग मुलाकात करत हन और संगोट बात करत हन। तो आओ जय जोहार वर्मा जी, आप अपन परिचय दो और छत्तीसगढ़ी के संबंध में हमला बताओ कुछ। तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपके पाए ला रहा हूँ। आप हमारे छत्तीसगढ़ी बात ना बहुत अच्छा ढंग से लोग के बीच में रख हो, समाचार के माध्यम से, कविता के माध्यम से बहुत अच्छा बात ना हमारे छत्तीसगढ़िया मनला आगे बढ़ाए कि आपके जो योगदान है, आपके जो मार्गदर्शन है, तो हम बहुत अच्छे लगते। बहुत गुत्तुर गुत्तुर भाषा में आप बोलता हो, गुत्तुर गुत्तुर भाषा में आप लिखता हो। मैं हाँ छत्तीसगढ़ी भाषा के समर्थक हूँ और छत्तीसगढ़िया भाषा के समर्थक पर जब जब भी कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन की जब मौका लगे तो मैं जरूर रायपुर जा प्रयास करें और उसका समर्थन में धरना में बैठे प्रयास करें हूँ। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा कामकाज होना चाहिए। जरूर हमारा दो चार महीना तकलीफ हुई पर जो हाँ धीरे धीरे लड़का है जब पैदा होते हैं तब एकदम से रंगे भर नहीं सीख जाएगा और रंगाए भर दाई दादा मन अगर उंगली पकड़ के चला लगता है बोले, है ना बोले, हाँ तो इसलिए हमारा राजभाषा जब हमारे मन के बीच में आ जाए छत्तीसगढ़ी में आ जाए तो एक आध दो महीने तकलीफ हुई, मात्रा व्याकरण थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रही परंतु एक सशक्त व्याकरण के रूप में और भाषा के रूप में जब बात आई तो काम काज भी अच्छा लगी और सरकारी काम काज भी अच्छा हुई और मैं एक बहुत बहुत समर्थक हूँ। एकल लिए ये बात के लिए तो मैं माननीय भूपेश बघेल हमारे CM साहब ने भी बधाई दूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा लोग आगे आगे रास्ता बताए और बोला कुछ सफल ग्रहण समय समय ओकरे अधिकारी मनोलग गुमराह कर दी। हमारा CM साहब ला भी छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण करे के बहुत मन रही से और हमारे CM साहब भी ये बात हमेशा हमारे मन के बीच में जब भी मुलाकात होते बैठन उठन तो ये बात तक कैसे छत्तीसगढ़िया भाषा आगे बढ़ाना, छत्तीसगढ़िया मन के भी आगे बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए ये बात। एक और भाई है इनका फिर हम पूछा था भैया, छत्तीसगढ़ी ला राज काज के भाषा बनैया है सरकार है तो का आप छत्तीसगढ़ी में सब आवेदन वेदन ला टाइप कर सकूँ और का आप ला कैसे लगही छत्तीसगढ़ी राज? अच्छा लगी थी और टाइप कर सकूँ पूरा छत्तीसगढ़ी में आवेदन बना लूँ पूरा नहीं बन पाए, पिटीशन उटीशन तक कोशिश करूँ। हाँ कोशिश करबो। हाँ आपके नाम बताओ भैया? तुमेश कुमार वर्मा। कहाँ रही था? ग्राम कोहली। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद वर्मा जी। हमार एक और टाइपिस्ट भाई हैं, थोड़ा इनला हम डिस्टर्ब करा था तब होले बात करना चाहबन भैया, छत्तीसगढ़ी राज काज के भाषा बनैया है ये आवेदन छत्तीसगढ़ी में तहसील देल लगी इसे सरकार कहा थे तो ऐसे स्थिति में का आप छत्तीसगढ़ी में आवेदन टाइप कर पाऊ? नहीं आती छत्तीसगढ़ी। क्या का नाम है आपके? देवेश कुमार वर्मा। कहाँ रही था वर्मा जी? होपली। होपली के हो तब तो आप तो गांव का हो जी, छत्तीसगढ़ी बोले लात हुई आप ला। लेकिन और सरकार जरूरी कर दी सीखो बोला टाइप करे कोशिश करूँ ऐसे ना। हाँ चलो ये प्रयास कर ही वर्मा जी है और एक आज भाई संग हम बात करा था जो उन मन है छत्तीसगढ़ी में आवेदन टाइप कर सकी। भैया थोड़ा 2 मिनट अगोरा वकील साहब तको है, खबर ये आए है कि अब छत्तीसगढ़ी में ही आवेदन स्वीकार करे जाइए और राजकाज के भाषा छत्तीसगढ़ी बन गई, ऐसे स्थिति में क्या टाइपिंग आपके तीर छत्तीसगढ़ी में आवेदन आहित का बना सकूँ? रियल बोलना भैया है तो जान बेच कर ही आप टाइप कर पाऊ छत्तीसगढ़ी में? नहीं मैं कहूँ मोला छुट्टी का आवेदन बनाना है सर बना दे इसे के छत्तीसगढ़ी में बना दो आप टाइप कर दो। तो देखा वकील साहब संग हम मुलाकात करा था, वकील साहब अपन नाम बताओ परिचय बताओ। सर मेरा नाम बलराम सिंह वर्मा है। हाँ हाँ। और मैं यहीं दुर्ग तहसील में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ हाँ। बलराम जी मैं ये प्रश्न कर रहा था कि सरकार है छत्तीसगढ़ी ला राज काज के भाषा बना थे ये जो आवेदन उवेदन आप बनाए हो ये सब है छत्तीसगढ़ी में घला स्वीकार करे जा ही कहा थे, ऐसा स्थिति में का आप ला सहूलियत हो ही या आप ला तकलीफ हुई आपके क्लाइंट मन ला का सेटिस्फेक्शन हो ही? जी छत्तीसगढ़िया में वर्ल्ड लिखने में तकलीफ होगा पहले के मुताबिक और यदि ये लंबा समय से चलेगा तो बिल्कुल सरल होगा और पक्षकारों को समझाने में भी सरल होगी। अब चूँकि अभी हिंदी मैटर चल रहा है इसलिए हिंदी में ही स्वीकार हो रहा है।